किसान भाइयों नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल खेती अनुभव पर स्वागत है। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे कि किसान का डीजल कैसे बचत हो। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा ट्रैक्टर डीजल बहुत खाता है। ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा खाने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि आप लोग सेटिंग करेंगे तो आपकी गाड़ी माइलेज अच्छा देगी। जैसे कि हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से आप अपनी रोटावेटर की सेटिंग करें। नंबर वन आप ये जो टापलिंग है, ये टापलिंग आपकी फ्री होनी चाहिए, ठीक है। ये टापलिंग आपकी हो गई, ये फ्री होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर ये आपके तीन छेद होते हैं। ये किस लिए, कब कौन छेद में आपको यूज करना है। जैसे रोटावेटर हम चलाते हैं तो आपको फर्स्ट छेद में लगाते हैं टापलिंग। दूसरी चीज़ कल्टीवेटर चलाएँगे तो बीच वाले पे दूसरे नंबर पर। अगर हमको गन्ना बोना है तो तीसरे नंबर। जितनी गहरी जुताई करेंगे उतना ही नीचे आप इसे टॉपलिंग सेट करें। दूसरी चीज़, जब आपका ये फ्री होगा तो बिल्कुल रोटावेटर स्मूथ चलेगा। और तुमको रोटावेटर की खास चीज़ दिखाते हैं कि रोटावेटर में आप अपना ऑयल चेक करते रहिए। ये देखिए गेज लगा हुआ है, गेज, इसमें आप अपना तेल देखते रहिए। दूसरी चीज़, रोटावेटर जो है ये लॉन्सर कंपनी का है, बहुत अच्छा चलता है। गाड़ी बिल्कुल फ्री, ना लोड ना कुछ। मेरी गाड़ी पावर ट्रैक 45 है, 50 एचपी की। दूसरी चीज़, आप गाड़ी कितने पर चलाते हैं, कितनी रेस रखते हैं, आप वो भी बताते हैं। रोटावेटर की रेस जब चलाएं आप तो हमेशा सोलह की स्पीड चलाएं, 16-17 के बीच में चलें, तब जो है आपकी गाड़ी माइलेज अच्छा देगी। दूसरी चीज़, आपकी हाइड्रोलिक जो है, ये आपका लीवर हो गया गहराई वाला, इसको आप सेट कर लीजिए जितने पर, इससे आप अपना अप डाउन करते रहिए। तीसरी चीज़, गाड़ी चलाते समय आपको जैसे जुताई करनी है तो पहली बार अगर जोतना है, टाइट खेत है, तो आप लो के पहले गियर में जोतिए। अगर दूसरी बार जोतना है तो दूसरे में जोतिए, उससे गाड़ी का जो है खेत भी अच्छा बनेगा और गाड़ी का माइलेज भी अच्छा रहेगा, गाड़ी पर लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है किसान भाइयों, धन्यवाद। ये खराब है।